अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी में होनी है प्राण प्रतिष्ठा। और इसी बीच जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा गए और उस दौरे के बाद से ब्रिज कॉरिडोर निर्माण की भी चर्चा बहुत तेज हो गई है। लेकिन मोदी का मथुरा जाना यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अखर सा गया। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी 2024 के चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। अब जब पांच राज्यों में जिसमें से चार राज्य के चुनाव खत्म हो चुके हैं और सबका जोर अब पूरा पूरा तेलंगाना में है, तो जाहिर सी बात है कि 3 दिसंबर के बाद 2024 की चुनाव की तैयारियों में भी अब शुरू हो जाएंगी पार्टियां। हालांकि बहुत पहले से बीजेपी सनातन के पथ के रास्ते पर अग्निपथ पर विजय हासिल करने की कोशिश में है और शायद यही वजह है कि विरोधियों के दिल में अब बेचैनी भी बढ़ गई है। अयोध्या में बन रहे मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है उस पर हम बात करेंगे, उसके बाद सनातन के हर पहलू पर भी बात करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है? क्या 2024 के चुनाव में सनातन का मुद्दा बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है? पीएम मोदी गए मथुरा, अखिलेश को क्यों लगा बुरा? मोदी ने शुरू किया नया चैप्टर, फेल होगा सपा का वाई फैक्टर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विरोधियों को कैसे घेरना है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि विपक्ष के दांव को कैसे चित करना है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि प्रहार पर कैसे पलटवार करना है। और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में 350 सीटें कैसे मिलेंगी। इसीलिए मोदी ने सियासी अग्निपथ के लिए सनातन पथ तैयार कर दिया है। और वो पथ कैसे तैयार हुआ है उसे भी समझ लीजिए। काशी में कॉरिडोर से बदलती तस्वीर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, मथुरा में ब्रज कॉरिडोर निर्माण के संकेत। हिंदुओं की आस्था में ये तीन तीर्थ बड़े भी हैं और इनका सियासी प्रभाव भी गजब का है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, पश्चिम और अवध तीनों इनसे सध जाते हैं। वहीं अयोध्या तो 88% सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। करीब 56 दिन बाद यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मृक्षरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मेहमानों में 4000 साधु संत और 2500 विशेष लोग होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा अभिजीत और नक्षत्र मृक्षरा। ज्योतिषीय गणना में ये योग बेहद शुभ माना जाता है। विरोधी भी इस बात को जानते हैं कि जातीय जनगणना वाले बाण के सामने अयोध्या का राम मंदिर ब्रह्मास्त्र है। हिंदुत्व और सनातन पर अनर्गल बयानबाजी करने वाले सियासी लोग भी इसे समझ चुके हैं और उन्हें अब कुछ भी सूझ नहीं रहा। हिंदुत्व वाले दांव के सामने विरोधियों का हर दांव चारों खाने चित है। सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी चौतरफा सनातन की पिच पर काम कर रही है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की धारा में
अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखी, मोदी जी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। कांग्रेस 60 वर्ष तक थी, अयोध्या में राम मंदिर का समाधान उन्होंने किया क्या? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में भी जैसे ही सरकार आई, समस्या का समाधान हो गया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, आज बन रहा है ना, अब तो कोई संदेह नहीं है ना, कोई संदेह? और आज आप लोग देख सकता है कि 22 जनवरी हमारा रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने भी जा रहा है। हमें बोला जाता था कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश में हल्ला हो जाएगा, तो हम हमेशा मानता था कि देश में अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनता है, कोई माइका लाल को हल्ला करने का हिम्मत नहीं होते हैं। बात साफ है कि बीजेपी के ये चारों योद्धा सनातन पिच पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वो कैसे हो रहा है उसे भी समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ, महाकाल महालोक, भगवान केदारनाथ, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मथुरा और ब्रज की बढ़ती दिव्यता, और सामने 2024 का चुनाव, बीजेपी की बड़ी मैसेजिंग, 167 लोकसभा को सीधा संदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हिंदू वोटर्स। लेकिन मोदी का मथुरा जाना अखिलेश यादव को खल रहा है। अखिलेश का कहना है कि हम तो हमेशा जाते हैं, फिर पहली बार जाने वाले के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? आप सबसे पहले अखिलेश यादव की बात सुनिए। पहली बार आए, दूसरी बार है? अरे क्या बात कर रहे हो, कौन पहली बार कौन दूसरी बार, हमारा तो जिंदगी गुजर गई जाते जाते वहाँ। अरे हमारा तो बचपन से जा रहे, कम से कम ये भी तो कहो ना कि कोई बचपन से गया वहाँ पर। खबर क्या हो जो बचपन से जा रहे हैं, खबर ये है कि पहली बार आ रहे, खबर ये हो कि जो बचपन से जा रहे थे, खबर उनकी हो। दरअसल अखिलेश यादव को लगता है कि मथुरा जाकर और वहाँ विकास की बात करके नरेंद्र मोदी यूपी में 10% यादव वोटर्स में सेंधमारी कर रहे हैं, और इससे अखिलेश को 2024 में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार सपा में सेंधमारी करके नेताओं को तोड़ रही है, तो अब मोदी ने भी यादवों में सेंधमारी का संदेश दे दिया है। जब जब बीजेपी राम की बात करती है तो अखिलेश खुद को कृष्ण भक्त बताने लगते हैं और कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं। आपको 2022 में अखिलेश का एक स्टेटमेंट सुनाते हैं जो ये बताता है कि अखिलेश किस तरह बीजेपी के राम मंदिर दांव से घबराए हुए थे। रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। तो चलिए अब अखिलेश यादव की जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाए। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मथुरा आए, तो उसका जवाब है गलत, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी चौथी बार मथुरा पहुंचे थे। इससे पहले 25 मई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान पहुंचे,
फरवरी 2019 में अक्षय पात्र वृंदावन, सितंबर 2019 वेटरनरी विश्वविद्यालय और अब 23 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। बतौर प्रधानमंत्री मोदी भले ही पहली बार जन्म स्थान पर आए हों, लेकिन 1991 में जब वो बीजेपी के संगठन मंत्री थे तब भी नरेंद्र मोदी जन्म स्थान पर आए थे, यानी अखिलेश यादव का यह दावा गलत साबित हो गया। तो फिर अखिलेश की चिंता क्या है? अखिलेश को चिंता है यादव वोटर्स के खिसकने की। यानी मोदी एक तरफ तो सनातन पथ तैयार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों को भी ध्वस्त कर रहे हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी पीछे नहीं है। वो लगातार अयोध्या की तस्वीर को बदल रहे हैं। अयोध्या धर्म तीर्थ विकास परिषद का गठन, 25 एकड़ में मंदिर म्यूजियम का निर्माण, अयोध्या शोध संस्थान को अंतरराष्ट्रीय दर्जा, अयोध्या यूपी की पहली सोलर सिटी बन रही है, 1893 एकड़ में ग्रीन फील्ड टाउनशिप, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, राम पथ का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण, 65 करोड़ रुपए से धर्म पथ, 62 करोड़ रुपए से भक्ति पथ। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे, और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो उधर अयोध्या में मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा में तैयारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भले ही कॉरिडोर के लिए अब जाकर मंजूरी मिली हो, लेकिन योगी सरकार के एजेंडे में मथुरा बहुत पहले से है। इसीलिए योगी सरकार ने 2022 में ही मथुरा के लिए 16,000 करोड़ का प्रस्ताव तय किया, 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए, 6100 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट के लिए, इसके साथ ही करीब 12.5 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रस्तावित। यानी बिल्कुल साफ है कि 2024 का चुनाव अयोध्या और मथुरा पर फोकस्ड रहने वाला है। 88% सनातनी वोटर्स बीजेपी से अलग न हटे, साथ साथ चले, इसके लिए बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है और इसी वजह से विरोधियों में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।